नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। आपके साथ मैं हूं नितिशा। हल्द्वानी के गोलापार्क क्षेत्र के उदयपुर गांव में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यहां एक कलयुगी बेटे ने दराती से गला रेत कर अपनी ही मां की हत्या कर दी है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि हत्यारा बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना चोर गलिया क्षेत्र में गोलापार में एक गांव है, यहां पर यहां से सुबह आज पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला को जो है बेदर्दी के साथ जो है मारा गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, गांव वाले भी पहुंचे और यहां जब जानकारी की गई तो पता लगा कि उसी के अपने बेटे ने ही अपनी मां की हत्या कर रखी है। बेटा कमरे में बंद था, अपने को बंद कर रखा था। मौके पर पुलिस ने और गांव वालों की मदद से बेटे को फिर काबू किया गया और जो शव है उसको पंचायतनामा भर के और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पुलिस इसमें आगे विधिक कार्रवाई कर रही है। किसे मारा अपने मां को? ये जो मौके पर जो है दराती वगैरह जो है मिली है, जिससे बताते हैं लोग गाँव वालों की उससे उसने उसकी गर्दन तक काट दी है और बहुत क्षत अवस्था में शरीर मिला। मानसिक रूप से क्या कुछ परेशानी है? हाँ, अभी कुछ लोग ने ऐसा भी बताया कि मानसिक रूप से उसका इलाज चल रहा था, तो उसको भी जांच में देखा जाएगा।